मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर अनन्या, पूरे कमरे की तलाशी लो, इसने यहीं कहीं पे हार छुपाया होगा। और मैं कल से सोच रही हूँ कि मेरा हार का डिब्बा कहाँ गया। कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैडम आप इधर आइए, हमें अपना काम करने दीजिए, आप कानून के काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। मैंने हार नहीं छोड़ी है, मुझे बचाना। ये लड़की आपके घर पे काम करती है, आप इस पे इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? वो हमारे घर का सदस्य है, इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही है, इसने चोरी नहीं की होगी। नहीं। हाँ जी सर, मैं कसम खाती हूँ मैं चोरी नहीं की हूँ। मैंने खुद इनफैक्ट तुम दोनों ने मेरे साथ ये सुना था कि इसने बोला हार तो गया, तो कहाँ गया हार, कौन चोरी करके ले गया, किसको दिया तूने हार, मैंने खुद सुना इसको फोन पे बात करते हुए। अरे ओ मैं अपने भाई से बात कर रही थी, लूडो में तू हार गया। अच्छा। और मैं उससे कह रही थी तू तो हार तो गया। अच्छा, तो आपको लग रहा था वो गले वाली हार की बात कर रही है। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। ये केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तुम चोर का पता कैसे लगाएंगे? कुछ भी करो, मुझे मेरा हार ढूंढ के दो प्लीज, हमें मेरा हार ढूंढ के दो। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, तुम कल ठीक से सोच के रखना कि तुमने लास्ट टाइम हार कहाँ देखा था। और ये भी सोच के रखना कि कल खाने में क्या बना रहे हैं। चलो यहाँ से। Later. क्या हुआ मम्मा? बेटा मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने हार लास्ट टाइम कहाँ देखा था। आपको कुछ याद आया फिर? नहीं, पर ये याद आया मैंने लास्ट टाइम हार नीना आंटी की एनिवर्सरी पे पहना था, पर ये तो लास्ट वन की बात है ना। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा था। इसका मतलब आपने उस वन मंथ के बाद उस हार को एक बार भी देखा? देखा तो था, जब 2 वीक्स पहले पूनम आंटी हमारे घर आई थी तो उसने मैंने सारे हार उसको दिखाए थे, क्योंकि उसको किसी शादी पे जाना था तो वो मेरे से दूसरा वाला हार पहनने के लिए ले गई थी। अच्छा, तो कहीं पूना मानती ने तो? शनाया, ये तुम कैसे बात कर रही हो, पूना मानती मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो थोड़ी ना चोरी करेगी। हाँ नहीं, वो नहीं चोरी कर सकती। फिर हार किसने चुराया? The next day. केस में कोई डेवलपमेंट? हमारे शक के दायरे में एक और बंदा आया है। कौन 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 कौन? वो उससे बताने के पहले पेट पूजा हो जाए। इंस्पेक्टर अनन्या, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। सर मैं टाइम वेस्टिंग टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ। वो कैसे? पेट भरेगा तभी तो दिमाग चलेगा ना। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया है? मटर पनीर। वाओ, वो तो मेरा फेवरेट है, जल्दी से ले आओ। ले गया। आज तो स्वाद ही आ गया आपके खाने का। केस पे आते हैं। हाँ, तो कौन आया आपके शक के दायरे में? आप। मैं क्यों?
अपना खुद यहाँ चोरी करूंगी। बिल्कुल आप, क्योंकि आप हो सकता है ये वाला हार बेचकर पैसे लेना चाहती हो, या आप अपने पति को झूठ बोलकर एक और हार लेना चाहती हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, और मेरा शक तो और यकीन में बदल गया जब तुमने इंस्पेक्टर अनन्या को उसका मनपसंद खाना खिलाया। तुम जान के हम पुलिस वालों को अपने शिकंजे में रखना चाहती हो। आप गलत सोच रहे हो, मैंने कोई हार वार नहीं चुराया। अच्छा, तो आप हमें ये क्यों नहीं बताए कि आपने हार कहाँ और कब देखा था लास्ट? अरे भाई, बता तो दिया, जितना याद था वो सब बता दिया आप लोगों को। नहीं, आप हमसे छुपा रहे हो, आप हमें पूरी डिटेल नहीं बता रहे, इसलिए हमारा शक आपके ऊपर जा रहा है। मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। देखो, सच सच बता दो हार कहाँ पर है। तुम पुलिस को बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम सच सच बता दो हार कहाँ है। बोलो, हार कहाँ है, बोलो। ठीक है, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ तुम सबको। हाँ, ये सच है कि मेरे पति मुझे पैसों के लिए बहुत परेशान करते हैं, और एक बारी मेरे मन में भी आया कि मैं ये हार को बेचकर पैसे ले आऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ये हाँ बात सच है कि ये मेरे मन में ख्याल जरूर आया था। तो ख्याल आया जरूर था, पर वो ख्याल ही था ना। पर आपको मेरे ख्याल के बारे में कैसे पता? हमने तहकीकात करी थी, हमने तुम्हारे ज्वेलर को कॉल किया था, उससे पूछा, उसने हमें बताया था कि तुम उसके पास गई थी, तुमने हार बेचने की कोशिश करी थी, उससे हार की कीमत लगवाई थी, लेकिन हार बेचा नहीं। तो क्या पता आपने उस ज्वेलर को नहीं, किसी और ज्वेलर को जाके हार बेच दिया हो और पैसे रख लिए हो। नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पति ने मेरे को कल ही पैसे ट्रांसफर करे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम आपका कैसे यकीन कर ले? उठा क्यों नहीं रही? मेरी फ्रेंड पूनम का है। अरे तो फोन उठाओ, क्या पता हार के रिलेटेड कोई सबूत मिल जाए। पूनम के पास कोई सबूत वबूत नहीं है। तो फोन तो उठा लो। हेलो। हाँ पूनम। हेलो पुनीत, तू कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं थोड़ी सी बिजी थी। ओ अच्छा, मैंने तेरे दोनों सेट वापस देने आने था, फिर मैं कब आऊं? दोनों सेट? तू तो मेरा एक ही सेट बोरो करके लेकर गई थी ना? नहीं, मैं तेरे दो सेट बोरो करके लेके गई थी। क्या मतलब वो सेट तेरे पास है? हाँ, तो तुझे क्या लगा? तो तुम्हारा हार तुमने अपनी फ्रेंड को दिया था और हमारा इतना टाइम खराब कर दिया। तुमको पुलिस की नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर की। हम जा रहे हैं फिर। चलो इंस्पेक्टर नान्या, सारा टाइम खराब कर दिया इसने। सर, मैंने कहा था ना फोन उठा लो, तो उसने मुझे भूल दिया और हम केस सॉल्व कर लिया। तो मेरा प्रमोशन करा दो ना। प्रमोशन करवा दो? ये केस तुमने नहीं, मैंने सॉल्व किया है, मैंने कहा था। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। रावण को मार दिया, हैप्पी दशहरा। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पर। मेरा ना रावण बेस्ट था। नहीं मेरा। किसका सबसे बेस्ट था वीडियो देखने के लिए? क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है।